मेरा सवाल ये है कि जो कारोबार है लॉकेट्स का, ब्रेसलेट्स का, तो वो करना सही है कि नहीं? क्योंकि उसमें तो क्रॉस जो आता है अपना क्रिश्चियनिटी, उसके लॉकेट्स बेचे जाते हैं, आउलुक के जो आते हैं वो तो अपने मूर्ति वो बेचे जाते हैं। ठीक सवाल है कि जो जेवरात की कबील से मुख्तलिफ़ किस्म के लॉकेट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के नेकलेस वगैरह वगैरह जो बनाए जाते हैं, फ़रोख्त किए जाते हैं, उनमें से बाज़ पर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हुई होती हैं, जैसे पिक्चर है, या कभी कोई बुत का निशान है, या कभी क्रॉस है, या जैसे सलीब का निशान वगैरह जो बाज़ ख़वातीन अपने गलों में पहनती हैं, तो उसका हुक्म क्या है? तो देखिए, शरी तौर पर जहाँ तक जेवरात हैं वो जायज़ और दुरुस्त हैं, उसका कारोबार करना ठीक है। मगर अगर कोई इस तरह की चीज़ हो जैसे सलीब का निशान है, तो ये चीज़ बेचना ये गलत होगा। सलीब का निशान क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी की अलामत है और वो भी शिर्क की तरफ ले जाता है। इससे पहले आपने हदीस में देखा कि वो चीज़ें जो बुत परस्ती की तरफ ले जाती हों उसके कारोबार से रोका गया। तो ये इस तरह का निशान या इस तरह की चीज़ें वो ना करें, बाकी जनरल जो कारोबार है वो ठीक है उसमें।